नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई यूएई से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड। बड़ा पंगा चल रहा है भाई वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है सरकार ने सभी वीज़ा में 1 मार्च के बाद में जितने भी वीज़ा एक्सपायर हुए थे सबको बढ़ा के डेट कोविड-19 में 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया था। जी हाँ साथियों, लेकिन मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि यूएई सरकार ने फैसला पलटते हुए 12 अगस्त तक लाओ डेडलाइन की थी, उसमें कुछ चेंजिंग गवर्नमेंट ने किए हैं और भी फिर कुछ चेंजिंग कर दिए गए हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, सभी वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई 3 मिनट में पूरी डिटेल से बता दूंगा सभी वीज़ा से रिलेटेड, तो वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जो रेजिडेंशियल वीज़ा है, जी हाँ वर्क परमिट वीज़ा के रिलेटेड बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका वीज़ा, जैसे आप दुबई से इंडिया आ गए, एग्जाम्पल के तौर पर आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, उसमें डेट है, तो आप अभी दुबई जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद, एंट्री होने के बाद 1 महीने के अंदर आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फाइन दिए हुए। जी हाँ साथियों, तो ये अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए है जो अभी लोग 12 जुलाई से जाना स्टार्ट हो चुके हैं यूएई की तरफ, इंडिया की तरफ से लोग जाना स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको दुबई छोड़े 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो उस दौरान आप क्या करें। हालांकि सरकार ने यूएई ने एक ऑप्शन अच्छा दिया है कि आपको, वो अच्छी बात है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट कर लेगी आपको, आप वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी आप दुबई यूएई जा सकते हैं, लेकिन उसमें अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि उसमें वीज़ा कब तक रिन्यू करवाएंगे। आपका वीज़ा को एक्सपायर है, आप दुबई पहुंच गए, तो उसमें वो गवर्नमेंट ने अभी उसका कोई अस्थाई शेड्यूल नहीं बताया कि भाई ये कब तक आप रिन्यू इसको करवा सकते हैं। ये ICA जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो आप डन करेगा इस बात को, आपका वीज़ा किस तरह से किस बेस पे रिन्यू होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज से स्टार्ट है, आप 2 महीने बाद जा रहे हैं तो वो गैप हो गया ना, तो उसका हो सकता है एक्स्ट्रा में चार्ज ले, या फिर आप एन वक्त पे पहुंच जाए तो चार्ज नहीं मिले, तो उसमें थोड़ा संशय है, इस पे थोड़ा अभी पेंडिंग रखा गया। लेकिन ये बात सिर्फ जो वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा, उन पे ये बात लागू होती है। आगे बात कर लेते हैं भाई विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आपको पता है पहले जो 31 मार्च के बाद में जो वीज़ा एक्सपायर हुए थे उनको बढ़ा के इन वीज़ा में भी 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने फैसला पलटते हुए इसमें भी बाउंडेशन लागू कर दी। इसमें किया गया 12 जुलाई से 1 महीने का ग्रेस पीरियड दे दिया। जी हाँ साथियों, 12 जुलाई से 12 अगस्त तक आप 1 महीने में, अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद में कैंसिल मतलब एक्सपायर हो चुका है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने वीज़ा का स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। जी हाँ, या फिर आप वर्क परमिट वीज़ा लगवा सकते हैं, या फिर इसको आप वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप रिन्यू करवाते हैं तो आपका 1 मंथ का लगभग खर्चा 1600-1700 दिरहम जो दुबई में लग जाता है, जिसमें वहीं का वहीं एडजस्टमेंट हो जाता है। 3 मंथ वाले में 2200-2000 के करीब हो जाता है। ये खर्चा मैं अंदाज बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा साथियों, मैं बता दूँ कि मार्च में अगर एक्सपायर हुआ है तो आपको समझ गए होंगे कि 12 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक का आपके पास 1 महीने का ग्रेस पीरियड है। अगर आपका वीज़ा मई में एक्सपायर हुआ है, जी हाँ, तो आपके पास 11 अगस्त से लेके वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं, एक आगे उसमें भी लंबा टाइम आपको मिल जाता है। अगर आपका वीज़ा 1 जून से 11 जुलाई तक एक्सपायर हो गया, जी हाँ साथियों, तो उसमें 10 सितंबर से वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं, यानी ये ग्रेस पीरियड आपको लंबा दिया गया सरकार की तरफ से, हालांकि ठीक ठाक है। कुछ इसमें मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके आपको सहूलियत दी गई है, तो भाई अच्छी न्यूज़ है। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा से रिलेटेड, और जिनका वीज़ा इंडिया में एक्सपायर हो गया उनको भी यूएई सरकार बुला लेगी, आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अपडेट नहीं आया, बाकी ठीक ठाक है भाई। 12 अगस्त से आपका 12 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक का आपका 1 महीने का ग्रेस पीरियड है, उसमें आप स्टेटस चेंज करवाते हैं, इंडिया आते हैं या वर्क परमिट वीज़ा लगवाते हैं, आप क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी साथियों वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।